हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, टुडे आई एम सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन टीओसी, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये आपके गेट के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एनटीए नेट में पूछे जाते हैं। आपका क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए कॉमा बी अल्फाबेट ऑफ लेंथ 2। तो आप इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो सिंबल यूज हुए हैं वो ए कॉमा बी हैं। तो ऐसी स्ट्रिंग्स जो ए कॉमा बी अल्फ़ाबेट से कंस्ट्रक्ट हुई हैं और इसकी लेंथ मैक्सिमम 2 हो, ठीक है, तो मतलब एग्जैक्ट 2 है, तो आपकी स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग आएंगी ए कॉमा ए बी कॉमा बी ए कॉमा बी बी, ठीक है, तो ये 4 स्ट्रिंग्स आएंगी। ओके, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। ओके, तो इसका डीएफए बनाते हैं। तो डीएफए में सबसे पहले इनिशियल स्टेट क्यू नॉट है, क्यू नॉट से आपके जो अल्फ़ाबेट हो सकते हैं एक्सेप्टेड ए कॉमा बी, फिर क्यू वन स्टेट पे पहुंचा, क्यू वन के बाद ए कॉमा बी इनपुट के साथ क्यू एफ फाइनल स्टेट पहुंचेगा, और क्यू एफ आपकी फाइनल स्टेट है तो एग्जैक्ट आपके 2 अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ए ए ए बी बी ए और ए बी इस प्रकार के। उसके बाद ए कॉमा बी इनपुट पे ये हम डी जो डेड स्टेट है उस पर मूव करा देंगे और डी स्टेट से आपको ए कॉमा बी अल्फ़ाबेट पे सेल्फ लूप चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम डीएफए हो गया, मिनिमल। ओके, तो ये आपका मिनिमल डीएफए है जिसमें अल्फ़ाबेट ए कॉमा बी से रिलेटेड सारी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड होंगी ऑफ लेंथ 2। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द डीएफए ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो आपको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है। पहला पार्ट है, वर्ड की लेंथ आपकी 2 होनी चाहिए, वर्ड की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में डब्लू जो डब्लू है यानी वर्ड उसकी जो मॉड यानी लेंथ है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो तीन पार्ट दे रखे हैं और आपको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। तो आइए सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो पहला जो पार्ट आपका है जिसमें वर्ड की लेंथ एग्जैक्ट 2 बराबर दे रखी है, ठीक है, मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेजेस की एक्सेप्ट होंगी उसमें जो लेंथ है वो 2 ही होगी एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट सा हो गया पिछला वाला। तो आप देखिए एल बराबर क्या होगा, ए कॉम ए बी ए ए बी ए बी बी इस प्रकार का होगा। तो आप इसको क्यू नॉट से ए कॉमा बी के माध्यम से क्यू वन पर पहुँचा और उसके बाद क्यू वन के बाद आप ए कॉमा बी इनपुट के साथ इसको क्यू टू स्टेट पर पहुँचाएँगे और ये आपकी क्यू टू फाइनल स्टेट हो जाएगी, और इसी क्यू टू स्टेट पे आप मूव करा दोगे सेल्फ लूप ए कॉमा बी का, ठीक है, तो ये आपका डी एफ ए बन जाएगा, क्लियर। तो ये सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, बस मिनिमल डी एफ ए, इसमें हमने डेड स्टेट का कंसेप्ट नहीं दिखाया है, ठीक है। दूसरा पार्ट है आपका, जब मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 2, तो इसके लिए आपको डी एफ ए बनाना है। तो इसका मतलब है कि वो सभी स्ट्रिंग्स एक्सेप्टेड होंगी जो मैक्सिमम 2 लेंथ के बराबर हों, इससे इस्तेमाल तो होंगी, ठीक है, एटमोस्ट लेंथ ऑफ 2। तो इसमें आपकी एल इक्वल टू एप्सिलॉन कॉमा ए कॉमा बी कॉमा ए बी कॉमा बी ए कॉमा बी बी कॉमा ए ए ये सभी आएंगी, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं। ओके, तो इसका डी एफ ए बनेगा आपका, क्यू नॉट इसमें फाइनल स्टेट बनेगी क्योंकि इसमें एप्सिलॉन दे रखा है, ठीक है, तो क्यू नॉट फाइनल स्टेट होगी और क्यू वन भी होगी। ए कॉमा बी इनपुट के साथ हम इसको मूव करा देंगे, ए कॉमा बी इनपुट के साथ इसको ये ट्रांजिशन होगा क्यू वन स्टेट पे, और क्यू वन स्टेट भी आपकी फाइनल होगी क्योंकि ए बी यहाँ पे एक्सेप्ट हो सकता है, और क्यू वन से इनपुट हम ए कॉमा बी ट्रांसफ़र करके क्यू टू पर पहुँचाएंगे, क्यू टू भी आपकी फाइनल स्टेट होगी। उसके बाद क्यू टू से ए कॉमा बी इनपुट के साथ हम डेड स्टेट पहुँचा देंगे, ठीक है, और डेड स्टेट पर भी हम क्या करेंगे, ए कॉमा बी इनपुट के साथ सेल्फ लूप चला देंगे, ठीक है, तो इसमें डेड स्टेट हमने लगा दिया। तो ये आपका आंसर है सेकंड पार्ट का। ओके, इसी तरीके से आपका जो थर्ड पार्ट है, मॉड ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसमें आपकी वो सभी स्ट्रिंग्स आएंगी जिसकी लेंथ 2, जिसमें 2 अल्फ़ाबेट या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आएंगी स्ट्रिंग ए ए ए बी बी ए बी बी ए ए ए फिर ए ए बी ए, तो
आपकी ये सभी स्ट्रिंग हो सकती हैं। तो इसमें क्यू नॉट स्टेट मैंने इनिशियल लिया, ए कॉमा बी के साथ मूव कराया क्यू वन पर पहुँचा, क्यू वन के बाद ए कॉमा बी मूव कराया क्यू एफ फाइनल स्टेट कर दिया, उसके बाद ए कॉमा बी पे मूव कराएंगे, कंटिन्यू लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पार्ट का, थर्ड पार्ट वाले क्वेश्चन का पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनटीए नेट और इसरो या फिर आपका गेट में आपके क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो टीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, इससे जब भी कोई मशीन या हमें मॉडल बनाना होता तो सबसे पहले उसका ये कंप्यूटेशन मॉडल बना लेते हैं। अगर वो मॉडल बन गया ठीक है और आउटपुट आपका सही आने लगा तो इसका मतलब उसकी मशीन बन सकती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इन केस ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज द लार्जेस्ट स्ट्रिंग सेलेक्टेड एज सेलेक्शन, वेयर एज इन केस ऑफ इनफाइनाइट लैंग्वेज स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग सेलेक्टेड एज स्केलेटन। ठीक है, तो आप याद रखना, इन केस ऑफ फाइनाइट लैंग्वेज द लार्जेस्ट स्ट्रिंग सेलेक्टेड एज सेलेक्शन। ठीक है, तो लार्जेस्ट स्ट्रिंग आपकी एज सेलेक्शन सेलेक्ट की जाती है, जबकि इन केस ऑफ इनफाइनाइट लैंग्वेज स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आपकी स्केलेटन कहलाती है। ठीक है, तो ये याद रखना। अगला आपका है, एक नोट पॉइंट है, इफ़ मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू एन देन नंबर ऑफ स्टेट्स, अगर मॉड ऑफ डब्ल्यू यानी वर्ल्ड की मैक्सिमम जो लेंथ है वो एन के बराबर है तो उसमें जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी वो रिक्वायर्ड होंगी एन प्लस टू, तो याद रखना। ठीक है, एन इक्वल टू टू हो, एन आपकी स्टेट होंगी एन प्लस टू। ओके, अगला है सेकेंड, मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू एन है तो नंबर ऑफ स्टेट आपकी होंगी एन प्लस टू। ठीक है, क्लियर, तो ये आप एज ए फार्मूला नंबर ऑफ स्टेट्स याद रखना। ठीक है, क्योंकि गेट आप गेट हुआ नेट हुआ आपके इसमें डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और ये आपका काफ़ी स्कोर भी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड कंडीशन है, मॉड ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन देन द नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड इज एन प्लस वन, तो जब अगर आपकी मॉड डब्ल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन के होती है तब नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड होती है एन प्लस वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका इसी पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्ट अ डीएफए मिनिमल डीएफए वेयर डब्ल्यू बिलोंग टू ए कॉमा बी एंड मॉड डब्ल्यू टू इक्वल टू जीरो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इवन। तो इसमें आप देखिए सोल्यूशन इसका क्या है, लेंथ कैन बी, आपकी लेंथ क्या हो सकती है, जीरो टू फोर सिक्स एट इवन है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो जीरो का मतलब एप्सिलॉन हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ल्ड जीरो, इसका मतलब एम्प्टी। ठीक है, तो इसमें लैंग्वेज में एल बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए बी बी ए ए ए बी बी। ठीक है, तो एट मतलब इसमें क्या है, एट मोस्ट टू, इसका मतलब इससे मिनिमम तो हो सकते हैं मैक्सिमम आपका टू हो सकता है, तो कंटेन एप्सिलॉन इट मींस डी एफ ए विल कंटेन क्यू नॉट एज अ फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, क्यू नॉट की, तो क्यू नॉट के साथ हमने ए कॉमा बी इनपुट दिया क्यू वन पे पहुँचे, क्यू वन के बाद ए कॉमा बी इनपुट दिया तो क्यू टू पे पहुँचे, और Q1 आपकी फाइनल स्टेट रहे, Q0 आपकी फाइनल स्टेट रहेगी क्योंकि एप्सिलॉन है, उसके बाद Q1 नहीं होगी क्योंकि सिंगल डिजिट नहीं चाहिए। ओके, Q2 होगी क्योंकि दो डिजिट के बाद आपका फाइनल स्टेट है, उसके बाद A, B से Q3 पे पहुँचे और Q3 के बाद फिर हम फाइनल पे पहुँचे। ठीक है, यानी Q3 से फिर Q0 पे पहुँच गए A, B स्ट्रिंग के साथ। तो इसमें क्या है, या तो आपकी जितनी भी इवन नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे वो सभी एक्सेप्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो डीएफए बना है वो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स को एक्सेप्टेड करेगा। ठीक है, आपका इसका दूसरा भी डीएफए बना सकते हो, जैसे क्यू नॉट स्टेट के बाद, तो इसमें भी आपका जब एप्सिलॉन है तो क्यू नॉट भी फाइनल रहेगा, एक चीज़ ये जरूर याद रखना, ये फाइनल स्टेट रहेगी। तो इसमें ए कॉमा बी के साथ मूव करेंगे ए वन पे पहुँचेंगे क्यू वन पे, और Q1 के बाद ए कॉमा इनपुट के बाद Q2 पे पहुँचेंगे। ठीक है, और Q2 के बाद ए कॉमा बी इनपुट के साथ Q3 पे, और Q3 के बाद ए कॉमा बी इनपुट के साथ हम पहुँचेंगे Q4 पे, और Q4 आपकी फाइनल स्टेट रहेगी। तो एबव डीएफए इज़ नॉट अ मिनिमल डीएफए, ये भी आपका मिनिमल डीएफए नहीं है। ठीक है, मिनिमल डीएफए के लिए क्या हम करेंगे, इसको और फाइनलाइज करेंगे इसमें, तो आप देखिए इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या होगा मिनिमल डीएफए का। तो सबसे पहले हम क्यू नॉट, इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट करना है तो क्यू नॉट हम फाइनल स्टेट का चूज़ करेंगे, और क्यू नॉट को ए कॉमा इनपुट बी इनपुट के साथ ट्रांजिशन ले आएंगे क्यू वन पे,
Q1 स्टेट में आपको जब इनपुट मिलेगा ए कॉमा बी, तो हम मूव करेंगे Q2 स्टेट पे, जो कि फाइनल स्टेट होगी क्योंकि दो अल्फ़ाबेट से सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे Q2 के बाद ए कॉमा बी इनपुट के साथ पहुंचेंगे Q3 पे, और Q3 पे नंबर ऑफ हमारे ऑड ए कॉमा बी हो सकते हैं, तो आपकी जो Q3 है वो फाइनल स्टेट नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पे Q3 आपकी फाइनल स्टेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ Q3 बिल्कुल नहीं होगी फाइनल स्टेट। ओके, Q3 आपकी फाइनल स्टेट नहीं होगी, ये फाइनल स्टेट नहीं है, इसको ऐसे कर देना। ठीक है, Q3 फाइनल स्टेट नहीं आपकी है। ठीक है, Q3 स्टेट के बाद a कॉमा b इनपुट पे ये Q0 पे पहुंच जाएगा, तो ये आपका मिनिमल DFA है। ठीक है, ये आपका मिनिमल DFA है। ओके, तो देखिए आप इसमें 5 नहीं 4 स्टेट्स केवल लगी हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ Q0 से लेके 4 स्टेट्स, तो जिसमें आपकी Q0 और Q2 फाइनल स्टेट्स हैं, और Q1 और Q3 आपकी Q3 आपकी नॉन फाइनल स्टेट हैं। ठीक है, तो ये आपका मिनिमल DFA है। ओके, तो इसी तरीके से आप ये फार्मूले या स्टेटमेंट वाइज के क्वेश्चन आपके हमेशा रिपीट होते हैं गेट में, और इस तरीके से कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर आपके NTA नेट में इसरो और DRDO इस प्रकार के क्वेश्चन, जब भी कभी कंप्यूटर साइंस या IT के रिगार्डिंग जब भी कोई एग्ज़ाम होता है तो उसमें डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये TOC, जब कोई मशीन या कोई मॉडल बन के आता है, कंपनी प्रोडक्शन करती है, तो उससे पहले इसका कंप्यूटेशन ऑटोमेटा बनाया जाता है। मीन्स अगर उसका ये मशीन डिज़ाइन हो गई, तो इसका मतलब उसका रियल में इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है। ओके, तो आप लोगों को नेक्स्ट जो इसमें NFA या आगे का कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो पे शेयर करूँगा, तब तक के लिए थैंक यू।